6 साल पहले से प्रेम चल रहा था, ठीक है। वो उस समय नाबालिग थी, बार बार विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी। हम उसको बोल रहे थे कि एज होने दो, उसके बाद तुम आना। उसके उसने अपने घर पे भी बोला कि पिताजी मेरा विवाह जो है करण सिंह से करवाइए। मेरी वाइफ जो ज्योति सिंह है, उसने कहा कि करण सिंह से विवाह करवाइए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, रजामंडी से करवा दूंगा, उनके पिताजी रमानंद मंडल। अब बबजात जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मारपीट कर घर पे लड़की को बंद करके रखा था, तो किसी तरह चोरी छिपे फोन कर मुझे बुलाया कि मुझे ये लोग मार देंगे, शादी दूसरे जगह करवा देंगे, या आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो आप आइए मेरे घर। तो मैं गया, मैंने उसको घर से उसकी माँ से बात कर माँ से भी कहा, तो माँ ने भी कहा कि नहीं, 2 साल बाद मैं शादी करवाऊंगा, तुम दोनों का करवाऊंगी, ठीक है। तो माँ ने 2 साल बाद बोला, तो ज्योति कुमारी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, ये लोग कहीं और शादी करवा देंगे। बस मैंने उसको घर से लेकर आया और अपने घर पे सीधा लेकर के आया, और उसके बाद बाबा नगरी देवघर में जाके हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी रचाया। 25 तारीख दिसंबर जी कोर्ट में भी फिर शादी, उसके बाद कोर्ट में शादी किए। जब मुझे लगा, उसके पिताजी ने, उसके माता ने, मुझे नहीं लगा था, उसके माता ने कहा था कि, माँ ने कहा था कि जाओ ठीक है तुम लोग चले जाओ, तो मुझे लगा केस मुकदमा नहीं होगा, तो मैंने जाके हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया देवघर में। और उसके बाद उसके माँ ने 2 दिन बाद जा करके केस कर दिया 27 को। उसके बाद हम लोग जा करके कोर्ट में जाके शादी किए, मैं करण सिंह और ज्योति कुमारी ने। अब उसी के साथ रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और वो भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। क्या लगता है जो केस उस किया है वो लोग, तो कोई परेशानी भी, डर भी किसी तरह का? किसी तरह का डर नहीं है, परेशानी क्या है, देखिए ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन के पास केस है, उसकी माँ ने केस किया है, बाकी हो सकता है कि जान मारने का भी दबाव दे। मेरी लड़की तो मेरे साथ है, पत्नी आपके साथ है। जी और लोग जान मारने का धमकी भी दिए हैं? धमकी दिए नहीं है, उसकी माँ बोलती थी पहले, पहले बोलती थी, अभी नहीं, आने के बाद तो बात नहीं हुई है, लेकिन पहले बोलती थी करण माँ को मरवा देंगे। डर है ना कहीं से? हाँ डर है, थोड़ा बहुत डर भी है, सुरक्षा भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह राजपूत, और मेरे पिताजी का नाम पेशर राजमोहन सिंह, साकिन भवलपुर, थाना मधुसूदनपुर। आज थाना पहुंची हो, क्यों पहुंची हो? सारे लव मैरिज किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं। कैसे हुआ था प्रेम? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे? कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का को की भगा के किया है? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर किसी तरफ से नहीं, हम अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। तो केस जो किए हैं पापा तुमने, तो वो भी मेरे बयान के बाद खारिज हो जाएगा? गलत की है? जी हाँ। पति के साथ ही रहना चाहती है? कहाँ है पति अभी आपके? घर पे ही है। घर पे? क्या नाम हो? ज्योति कुमारी। खुश हो शादी से? बहुत ज्यादा।